हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा डुप्लीकेट फाइल के बारे में। जैसे कि आपके फ़ोन में एक ही तरह का अगर डुप्लीकेट फाइल है, मतलब एक ही तरह का दो फोटो है या फिर दो ऑडियो है या फिर दो वीडियो है, कोई भी चीज़ दो है या फिर तीन है, तो एक को छोड़कर और दो को ऑटोमेटिक से डिलीट कर देगा। तो इस तरह ये एप्लीकेशन काम करता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको ये जो है डुप्लीकेट फाइल जो है उसको डिलीट करना है। दोस्तों, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है जिसका नाम है डुप्लीकेट फाइल फिक्सर। तो ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा या फिर मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं फाइनली इंस्टॉल इसको कर लेता हूँ। इंस्टॉल हो जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको डिलीट करना है। तो यहाँ पे डाउनलोडिंग हो चुका है, देख पा रहे हैं दोस्तों, डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड हो जाने के बाद मैं यहाँ से फाइनली ओपन कर देता हूँ इसको। तो ओपन करेंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। उसके बाद यहाँ गो इट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है ऑडियो स्कैन का और वीडियो स्कैन, पिक्चर स्कैन, डॉक्यूमेंट स्कैन। तो आपको क्या करना है, फुल स्कैन करना है। तो फुल स्कैन पर टिक लगा देना है और फुल स्कैन पर टिक लगाने पर स्कैन नाउ पे क्लिक करना है। जैसे स्कैन नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलाउ मांगता है डिवाइस का, तो आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करेंगे तो आपका यहाँ पे स्कैनिंग चालू हो चुका है। अब आपको 10 से 15 सेकंड के अंदर में यहाँ पे खोज करके ला देगा कि आपका कौन कौन सा जो फाइल है, दो है, तीन है, एक्स्ट्रा छोड़ करके एक को और सारे को डिलीट करने के लिए यहाँ पे बताएगा। तो उसको एक बार में आप क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, ये स्कैनिंग हो रहा है तब तक। तो दोस्तों, यहाँ पे स्कैन होकर के आ चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ही तरह का दो फाइल है जिसमें से एक पे टिक लगा हुआ है और एक पे टिक नहीं लगा हुआ है। तो एक छोड़ करके और दूसरा यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। इसी प्रकार से मेरे पास यहाँ पे दिखा रहा है कि 991 फाइल है जो कि आपको 759 MB का है। तो ये सारे दिख पा रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पे फाइल यहाँ पे आ चुका है जो कि एक ही तरह का फाइल आपको 4-5 फाइल है। तो यहाँ पे सारे में टिक लगा है, इसी प्रकार से आपका खोज करके ला देगा। अब इसको डिलीट कैसे करना है दोस्तों, डिलीट करने के लिए यहाँ पे डिलीट नाउ पे क्लिक करना है। डिलीट नाउ पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका जो है डिलीटिंग चालू हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरे पास 991 फाइल जो है यहाँ पर डिलीट हो रहा है। तो इस प्रकार से डिलीट कर सकते हैं आप दोस्तों। देख पा रहे हैं ये सारे फाइल जो है यहाँ पर डिलीट हो चुका है। तो इस प्रकार से आप डिलीट कर पाएंगे। तो दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।